Wow. You know what? I had a great time. हमारी अब तक की सबसे बेस्ट डेट थी ये. मेरी तो सारी डेट्स बेस्ट ही होती है. अरे आई मीन तुम्हारे साथ ऑब्वियसली. आई वाज जस्ट किडिंग. एनफ ऑफ किडिंग. अच्छा लिसन, डोंट यू थिंक अब हमें सीरियसली सोचना चाहिए लाइक अबाउट ईच अदर. आई मीन डेटिंग वेटिंग ठीक है, बट व्हाट नेक्स्ट? ओके, आई नो यू हैव अ किलर स्माइल, बट अभी मैं सीरियस हूँ. अच्छा सुनो ना, नेक्स्ट वीक मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे मिलो. सो विल यू? सीरियसली तुम उनसे मिलोगे? उसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाट्स द बिग डील इन दैट? ओह माय गॉड, यू आर अ क्यूटी बॉय, स्वीटहार्ट यू आर. अच्छा? यस. कम आई शो यू माय हाउस? या. ओह माय गॉड, वाओ, सुपर्ब हाउस. Rohit, you have such a beautiful house. I must say. Like it? I loved it. Upar aur bhi beautiful hai. Is Come. It? Yeah. Come. Come on. Listen, तुम यहाँ chill करो. मैं दो मिनट में आता हूँ. कहाँ जा रहे हो? हमारे लिए ड्रिंक्स बनाकर लाता हूँ. ठीक है. पर जल्दी आना. Yeah. Come soon. Yeah. Light. Wow. Gaming room. Coming, baby. Just 2 minutes. ये क्या कर रहे हो रोहित? तुम्हें खेलने का बहुत शौक था ना? Yes. So let's play. पर कौन सा गेम? Guess the object. बहुत एक्साइटिंग गेम है, मजा आएगा. ओके. आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट. सो This is your first guess. बताओ ये क्या चीज है? Come on, Rohit. This is a glass. इतना simple game. अभी तो simple है, पर धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा. Let's see तुम्हारी second guess कितनी perfect है. Okay. Android, it's an ice. Impressive. Right answer, baby. Up here, final guess.
कोई नुकीली चीज है। अरे गेस तो करो कि चीज क्या है ये। ये लाश कहां से आई? हटिए प्लीज। बहुत बेरहमी से मारा है, चाकू के घाव लगते हैं। इतनी बुरी तरह से मारा है सर, इसकी पूरी बॉडी पे ये खून है और ये आसपास कहीं खून दिख नहीं रहा। हाँ कहीं और मारा होगा। फिर बॉडी यहाँ लाके छुपा के रख दे। पर इतनी बेरहमी से कोई मारता है क्या? लगता है बड़े गुस्से में आकर मारा होगा इसे। और इसके आंखों पर पट्टी किस लिए थी? ताकि ये खूनी का चेहरा ना देख सके। आसपास लोगों से पूछताछ करते हैं। और फ्रेडी बॉडी का फोटो खींचो और आसपास के पुलिस स्टेशन में जाकर पता लगा क्या किसी ने मिसिंग पर्सन्स का रिपोर्ट दर्ज किया है क्या? सुनो, आप यहाँ के सुपरवाइजर हो? जी सर। अच्छा, आप लोगों ने इस लड़की को यहाँ पहले कभी देखा था? नहीं सर। नहीं? अच्छा, कल रात को या फिर आज सुबह यहाँ कोई आया था, किसी को देखा था शायद इस लाश को रखने के लिए या फिर और कुछ? सुबह जब मैं यहाँ आया था हम लोग के सिवा कोई नहीं देखा। और सर कल रात को भी मैं और मोहन यहाँ से सबसे आखिरी में गए थे, तब भी कोई नहीं दिखा था सर। वैसे ये कंस्ट्रक्शन साइट है किसकी? सर वो वरुण सर। वरुण? कोई यहाँ पे आके लाश रख के चला जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। सर हो सकता है वरुण इस लड़की को जानता हो, वरना उसी की कंस्ट्रक्शन साइट पे बॉडी कैसे मिलेगी? वो तो पता लगा ही लेंगे। ये वरुण जी का ऑफिस कहाँ है? मिस्टर काबरा, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट है, राइट इन द सेंटर ऑफ द सिटी। मैं आपको पावर पॉइंट दिखाता हूँ। यस कम इन। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। या आपसे मिलने के लिए सीआईडी वाले आए हैं। सीआईडी? या मिस्टर काबरा, आई विल बी राइट बैक। यस वरुण। यस आई एम वरुण, हाउ कैन आई हेल्प यू? तुम्हारे कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें इस लड़की की लाश मिली है। इस लड़की को जानते हैं आप? नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानता। इनफैक्ट ये मेरे साइट पे, आई मीन ये सब कैसे हुआ, कब हुआ सर? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, फिलहाल मुझे आपके स्टाफ से बात करनी है, शायद कोई इसे जानता हो। यस ऑफ कोर्स, आप जिससे जो सवाल पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं मैम। गॉड, ऐसे बड़ी अजीब बातें हैं ना, कोई अनजान लड़की उसकी लाश तुम्हारे कंस्ट्रक्शन साइट पे मिलती है। अभी लाश अपने आप चलकर तो नहीं आ सकती, क्या कोई डाल कर गया होगा क्या? क्या लगता है आपको? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I have no idea about it, but I'm sure, सर मेरी कंपनी बेस्ट 3 कंपनीज में से एक है। हो सकता है ये मेरे राइवल्स का कोई प्लान हो अपने कंपटीशन को हटाने का। आप तो जानते हैं कि बिजनेस में क्या क्या होता है, एंड दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन सर। इट्स रियली डिस्गस्टिंग सर। सर मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, रियल एस्टेट में मेरी कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, और अगर ये न्यूज बाहर फैल गई तो सर मेरा बिजनेस और मेरी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकती है। सर सर आपको मुझसे जो हेल्प चाहिए मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मुझे जहाँ बुलाएंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज सर ये बात मीडिया तक नहीं पहुँचनी चाहिए। इट विल बी अ बिग लॉस फॉर मी सर, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर सर सबसे पूछ लिया, इस लड़की को कोई नहीं जानता। मिस्टर वरुण, एक लड़की की लाश आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे मिलती है और कोई भी नहीं जानता उसे।
साइट पे किसी ने नहीं पहचाना, आपके स्टाफ में से कोई नहीं जानता और आप भी नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, एक बार इस लड़की के बारे में पता चल जाए सर तो आगे की कहानी पता चलेगी। फ्रेडी गया ही है इन्फॉर्मेशन लाने के लिए, पता चल जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से आकर मिलेंगे। What is this nonsense? सर, यूपी की रहने वाली थी, पिछले 8 महीनों से मुंबई में रह रही थी, पेइंग गेस्ट बनके, फैमिली वहीं पे यूपी में। सर, मेगा के फ्रेंड से हम लोगों ने बात करी तो उन्होंने कहा कि उसकी फैमिली बहुत प्रेशर कर रही थी उसे शादी करने के लिए। अच्छा। हाँ सर, और फैमिली से तंग आकर उसने मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी प्रोफाइल भी बनाई थी और कुछ लड़कों से बात भी की थी। तो पिछले 10 दिनों में वो जिन जिन लोगों से मिली उनकी लिस्ट बनाई है? हाँ सर, हमने मेघा के कॉल रिकॉर्ड ट्रेस किए, पिछले 10 दिनों में उसने जिन जिन लोगों से फोन पे बात की थी उन सब की लिस्ट मिली है। गुड। उनमें से कुछ उसके फ्रेंड्स है, कुछ मैट्रिमोनियल साइट्स वाले हैं, कुछ लोगों से उसने बात की, कुछ लोगों से मिली। और सर, जिन जिन लड़कों से वो मिली थी उनको हमने बुलाया सर, वो आते ही होंगे। ये मेघा है, अब सब लोग इसे जानते हैं, इसे मिले भी हैं, है ना? तो अब एक एक करके बताओ, मेघा से कब मिले थे और कैसे मिले थे? सर, मैं मेघा से पिछले हफ्ते एक कॉफी शॉप में मिला था, मुझे तो वो बहुत अच्छी लड़की लगी और हम दोनों कनेक्ट भी हो गए थे। मुझे तो लगा कि हम दोबारा जल्दी मिलेंगे, पर उसे पता नहीं क्या हो गया। मैंने कई बार उसे फ़ोन भी किया पर उसने कभी कोई जवाब ही नहीं दिया। सर, हम दोनों लंच पे गए थे तो मुझे तो मेघा पहली मीटिंग में बहुत अच्छी लगने लगी थी, पर सर शायद मैं उसके टाइप का नहीं था तो हमने ज़्यादा बातचीत नहीं की, बस लंच किया फिर वहाँ से निकल गए। सर, हम लोग थोड़ा फॉर्मली मिले थे सर, मैंने सोचा था सर कि मैं उससे बाद में भी मिलूंगा, पर मेघा ने मुझे समझाया कि हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मिलने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। मेघा को पहली बार मैं एक मिनट, तुम रोहित हो ना? रोहित, मेघा की रिसेंट कॉल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा तुम्हारे फोन नंबर है, लगता है तुम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। जी, मेघा और मैं पहली बार एक पार्टी में मिले थे, तब से हम अच्छे दोस्त बन गए थे। हम लोग काफी बार बाहर मिले फॉर फिल्म्स, कॉफी एक्सेट्रा, यू कैन से दैट वी काइंड ऑफ क्लिक्ड। मतलब आप दोनों डेट कर रहे थे? जी, पर कुछ ही दिनों के लिए। लेकिन मेघा शादी करना चाहती थी और मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूं। टाइम पास करना चाहते थे। फिर क्या हुआ? फिर भी हम लोग दोस्त थे, काफी अच्छे दोस्त। वैसे कल रात क्या हुआ जब तुम दोस्त मिले? देखो रोहित, मेगा की कॉल हिस्ट्री में साफ साफ लिखा है कि कल रात 4 बार तुम लोगों के बीच बात हुई, इसलिए झूठ बोलने की सोचना भी मत। कल रात मैं और मेघा हम लोग बस डिनर के लिए गए थे और डिनर के बाद मैंने मेघा को उसके घर छोड़ा, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। इनफैक्ट मैं तो खुद शॉक्ड हूँ, हैरान हूँ मैं कि अभी कल ही तो मेरे साथ थी वो, एंड टुडे शी इज डेड, शी इज नो मोर, हाउ इज दैट पॉसिबल? हाँ, तो हम पता लगा लेंगे। जा सकते हो तुम, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। सब लोग जा सकते हो। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ फ्रेडी, पंकज, इस रोहित पर कड़ी नजर रखो और इसकी पूरी कुंडली निकालो। एक्सक्यूज मी। यस सर। सीआईडी, आप जानते हो इसे? ये तो रोहित है, अपने घर से ज्यादा समय इसका तो क्लब में बीतता है सर। ये
अकेले आता है या फ्रेंड्स के साथ? सर, इस क्लब के अंदर में इसके ऑलरेडी ढेर सारे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, इस वक्त उसके कोई फ्रेंड्स हैं यहाँ पे? वो रोहित के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या हुआ सर, एवरीथिंग ओके? आप सिर्फ इतना बताइए कि ये रोहित के दोस्त कहाँ मिलेंगे? सर, वो रहे करण और आकाश, ये दोनों रोहित के अच्छे फ्रेंड्स हैं। आकाश, करण? यस, हम लोग सीआईडी से। आप लोग रोहित के दोस्त हो ना? आई न्यू इट, मालूम था मुझे। क्या मालूम था? यही कि रोहित जरूर कुछ ना कुछ एक दिन गड़बड़ करेगा, वो है ही ऐसा। एक मिनट, ऐसा ही वो मतलब? सर, मतलब रोहित बहुत अच्छा लड़का है, आई मीन ही इज अ ग्रेट गाय, और बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, लेकिन उसका एक ही प्रॉब्लम है, उसे बहुत गुस्सा आता है। सर, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है वो, और जब उसे गुस्सा आता है ना, तो वो कुछ समझता ही नहीं, वो कहीं भी किसी से भी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देता है। तुम लोगों के साथ उसने कभी किया है? सर, हमारे साथ तो नहीं, लेकिन हमारा एक और दोस्त है आर्यन, उसके साथ उसका सीन हो गया था। रोहित चिल, रोहित चिल, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। क्या मतलब था तेरा? मेरी बात समझने की कोशिश कर। बोल, जो कहा था वो सही है। क्या था तेरा? क्या सही है? पागल होता है? क्या मतलब है तेरा? पागल होता है रोहित? क्या मतलब है तेरा? बोल रहा तू? यू सेफ मैन। सर, रोहित का हमेशा से यही प्रॉब्लम है। वो तो उस दिन भी वरुण बीच में आ गया था, नहीं तो रोहित ने तो आर्यन को। अब ये वरुण कौन है? सर, रोहित वरुण का बेस्ट फ्रेंड है सर। जब भी रोहित का फ्यूज उड़ता है ना सर, तो सिर्फ वरुण ही है जो उसे संभाल सकता है। ये वरुण वही है ना जिसका रियल एस्टेट का बिजनेस है? हाँ सर, वही वरुण। आप लोग जानते हैं उसे? ओके, थैंक्स। थैंक यू। यस सर, सॉलिड सरप्राइज है। वी आर कमिंग अप विद अ लग्जरियस 3, 4 and 5 BHK फ्लैट्स राइट इन द सेंटर ऑफ द सिटी। ओह, द सीआईडी टीम इज हियर। वेलकम, वेलकम द सीआईडी टीम। गाइस, कैन यू एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकंड? वेलकम, वेलकम। कैसे आना हुआ? हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं सर, आप लोगों ने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे इस लड़की का क्या हुआ? कौन थी वो? कुछ पता चला? नहीं ना, तभी तो सोचा तुम्हें आकर मिलने, शायद तुम हमारी मदद कर सको। मेरे पास सर, मुझे तो कुछ नहीं पता है ना, फिर तुम यहाँ आके बेकार में तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो लड़की मेघा, उसके बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ, तुम्हारे बारे में कुछ मालूम पड़ा है। मेरे बारे में? हाँ, तुम्हारे बारे में। बचपन में तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि लाइफ में कभी दो लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक डॉक्टरों से और दूसरा पुलिस वालों से? अरे, तुमने तो सीआईडी वालों से झूठ बोला। सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ, ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। क्या हुआ वरुण, डर लगने लगा? किसी अपने से बात करना चाहते हो? किसी फैमिली मेंबर से या फिर दोस्त से? किसी खास दोस्त से, जैसे कि रोहित? रोहित, तुम्हारा सबसे खास दोस्त मेघा का बॉयफ्रेंड था वो, याद आया? हमें तो ये भी मालूम है कि रोहित को गुस्सा बहुत आता था, और उस वक्त उसे सिर्फ तुम हैंडल कर सकते थे। और हाँ, इनको जब गुस्सा आता है तो फिर इन्हें कोई हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि जो छुपा रहे हो चुपचाप बता दे। सर, मैंने मेघा को नहीं मारा है। I swear, मैंने मेघा को नहीं मारा है। तो फिर किसने मारा है? क्या हुआ उस रात को? सर, उस दिन रोहित ने मुझे कॉल किया, वो बहुत डरा हुआ था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था सर, कि वरुण मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, तू मेरे घर आ जा, जल्दी आ जा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं सीधे उसके घर पहुंचा, और जब वहां पर गया तब रोहित ये क्या किया तूने? किसी मुझे बचा लिया, पता नहीं कैसे हो गया मुझसे यार। वरुण, मेरे भाई, प्लीज प्लीज मुझे बचा लिया। ये कैसे हुआ ये सब? हाँ, क्या किया तूने? मुझे लगता है मैंने मेघा को हार दिया यार, मुझे तेरी हेल्प चाहिए यार, प्लीज बचा ले। सॉरी, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आई कांट हेल्प यू। यार, तू ऐसा बोल रहा है, मैं हमेशा तुझ पे ही तो काउंट करता हूँ,
जितनी बार मैं प्रॉब्लम से फंसा हूं तूने मुझे बाहर निकाला है, मैंने जितनी बार भी फाइट की है लोगों से। फाइट की बात अलग होती है, दिस इज अ ब्लडी मर्डर। तूने खून किया मेघा का, पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया। आई कांट हेल्प यू। हां नो प्लीज 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 यार, तेरा भाई तुझसे भीख मांग रहा है यार, प्लीज हेल्प मी यार, प्लीज प्लीज प्लीज। शांत हो जा। रोल कर इसे। उसके बाद तुमने मेघा की लाश को अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाकर छुपा दिया। उस मर्डर वेपन का क्या किया? वो पवई के पास एक नदी है, मैंने वहां फेंक दिया। कस्टडी मिलो इनको। सर ट्रस्ट मी सर, मैंने मेघा को नहीं मारा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो रोहित मुझे फोर्स कर रहा था। तुमने इस मर्डर में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप कर ली। मैंने मेघा को नहीं मारा है। हाँ, मगर मेघा की लाश को छुपा तो दिया ना, और तो और अपने क्रिमिनल दोस्त का इस क्राइम में साथ भी दिया, वो भी एक क्राइम होता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्रिमिनल तो क्रिमिनल, और इसके लिए तुम्हें कम से कम 2 साल की सजा जरूर होगी। 2 साल? सर प्लीज प्लीज आप लोग मुझे अरेस्ट मत कीजिए सर, प्लीज। ले चलो इसे। सर सर प्लीज। वरुण ने तो बताया कि रोहित ने खून किया है, चलो देखते हैं इस रोहित के घर में कोई सबूत मिलता है क्या। सर 100% रोहित ने मेघा को यहीं पे मारा है। पहले मारा और फिर सबूत मिटाने के लिए खून साफ कर दिया। देखते हैं कुछ और मिलता है क्या यहाँ पे। ये घड़ी भी ली, जेंट्स वॉच है, शायद रोहित की ही होगी। रख लो इसको, एविडेंस के तौर पे काम आएगी। और वो मर्डर वेपन, वो चाकू, वो तो वरुण ने फेंक दिया। घड़ी वो पवेलियन के आसपास के एरिया को छान मारो, किसी भी हाल में उस चाकू को ढूंढना ही होगा। और अब इस रोहित को भी उसके ठिकाने पहुंचा देते हैं, जेल। यही वो बंगला है जहां उस लड़की का खून हुआ, और जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस अग्निहोत्री बिल्डर्स के बेटे रोहित को अरेस्ट कर। रेडियो और पंकज कहां गए? सर पवई गए, जिस हथियार से मेघा का खून हुआ था वो वरुण ने वहां की नदी में फेंक दिया था, वही ढूंढने गए। हथियार मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, फिर भी कुछ होगा नहीं तुम लोगों से। सारण के साथ? अभी जब भी कभी सारण के साथ बिन बुलाए मेहमान की तरह आता है ना, बुरी खबर लेकर आता है। बता क्या हुआ सारण के साथ, आज गलती से आ गए यहाँ पे? नहीं नहीं, गलती मुझसे नहीं हुई, गलती इनसे हुई है, एसीपी साहब से। अबे तू डॉक्टर है या जिलेबी वाला है? जब देखो हर बात को जिलेबी की तरह गोल गोल करके बता देता है, सीधे सीधे बता। सीधी बात यह है बॉस कि तुमसे गलती हो गई, तुमने एक गलत आदमी को अरेस्ट कर लिया। क्या तो आप ये कह रहे हैं कि ये रोहित बेकसूर है? 100% रोहित बेकसूर है। देखो ये लड़का खूनी हो ही नहीं सकता, एक बार तूने देख लिया पता चल गया कि वो बेकसूर है। तुम्हें पता लगे ना लगे मुझे पता चल जाता है। देखो ना जरा गौर से देखो, कितना डरा हुआ है बेचारा। देखो सारुण के कोई भी मुजरिम पकड़ा जाए तो ऐसे ही खड़ा रहेगा ना डर के मारे। या तुमसे बहस करना बेकार है, तुम एक काम करो उसे बुला लो, पता लगा लेते। देख सारुण के, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस रोहित ने अपना गुनाह कबूल किया। बुला लो ना, देखते हैं। वाह, इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती, हर जगह
ठीक साहब। सर सर प्लीज इसे यहाँ से लेकर जाइए सर, और किसी दूसरे लोकअप में डाल दीजिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? सर रात भर परेशान कर रखा है सर इसने। फिर कोई गड़बड़ की इसने? सर ये रात भर अपने बदन को नोच रहा था सर, और सर जोर जोर से चीख रहा था। चीख रहे थे क्या? बोल रहा था मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ मच्छर है, यहाँ कॉकरोच है, और जाने क्या क्या सर। सर मुझे इन कीड़ों से बचाओ सर। सर परेशान कर दिया सर इसने रात भर। अच्छा रोहित, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है ना? चलो मैं तुम्हें कहीं और लेकर चलता हूं, बाहर निकालो इसे। नहीं वरुण, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पर रुकोगे। हर जगह हर समय दोस्ती निभाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सर वो मर्डर वेपन मिल गया उसी नदी में जहां पे वरुण ने फेंका था। वेरी गुड तारिका, जरा एनालाइज कर लो। हाँ तो मिस्टर रोहित, ये चाकू पकड़ो और जरा इस दमी पर दो चार बार जोर से कर डाल। चलो पकड़ो पकड़ो मारो। करो मारो मारो। बस आपका काम हो गया। तारिका मेघा की डेड बॉडी का फोटोग्राफ ला। ये देखो बॉस, ये मेघा की डेड बॉडी पर ये जो घाव है जरा गौर से देखो, ये घाव एकदम सीधे सीधे, जैसे किसी ने बहुत तेजी से सीधे वार किया और चाकू बाहर निकाल। और यहाँ देखो रोहित ने जो चाकू से वार किए इस दमी पर, वो देखो एकदम टेढ़े में। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये देखो ये रोहित के ये हाथ कांपते हैं, ये स्टडी नहीं है, ऐसे हिलते हैं। मैं तो न्यूज देख करके ही समझ गया। और अगर रोहित ने चाकू से वार किया होता तो उसके चाकू के वार ऐसे होते टेढ़े मेढ़े, ना कि ऐसे। वैसे जेल में तो मैंने देखा था कि रोहित के हाथ ऐसे कांपते थे। लेकिन सर रोहित तो खुद कह रहा है कि उसने मेघा को मारा। हाँ ये बात तो है दया, पर रोहित जरा फिर से अच्छी तरह से याद करो और बताओ क्या हुआ था उस वक्त। सर उस रात मैं और मेघा रेस्टोरेंट में डिनर करके घर पहुंचे। दो मिनट में आता हूँ। सुमन क्या जब मेरी आंख खुली तो मेघा मर चुकी थी। शायद हमारा झगड़ा हुआ होगा और मैंने उसे मार दिया होगा। शायद झगड़ा हुआ होगा मतलब? तुम्हें पता नहीं क्या हुआ था? अच्छा तुम दोनों के अलावा कोई और भी था वहां पे? नहीं सर और कोई नहीं था वहां पर। पर सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे उस लॉकअप में वापस मत भेजिएगा। वहाँ बहुत मच्छर है सर, बहुत मच्छर काटते सर, प्लीज सर। एक मिनट रोहित, एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे हाथ कांपते हैं क्या तुम 2400 घंटे नशे में रहना चाहते हो? इसीलिए इसे हाथ कांपते हैं। मेडिकल टर्म में इसे डीटी डिलेरियम टेमेंस कहते हैं। शराबियों में ये अक्सर होता है क्योंकि
जब तक इन्हें कोई नशा, कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं मिले, इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इन्हें एक किस्म का हेलुसिनेशन होने लगता है, जो है वो नहीं दिखाई देता, जो नहीं है वो दिखाई देने लगता है, वो ही सोचने लगते हैं। हाँ, सब कुछ इनके दिमाग में होता है। रोहित, जरा एक बात बताओ, जब तुमने मेघा की लाश देखी तब तुमने क्या किया? सर, मैं बहुत डर गया था सर, और इसीलिए मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड वरुण को कॉल किया। वरुण, वरुण प्लीज यार, तू घर पे जल्दी आ जा यार, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, प्लीज प्लीज तू कैसे भी करके जल्दी पहुंच यार। मैं कुछ नहीं जानता, तू बस मेरे घर पे जल्दी पहुंच, अभी क्या अभी। मेघा की डेड बॉडी को उसने अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाके छिपा दिया और नाइफ को पवई लेक में फेंक दिया। सर, क्या वरुण मेघा को जानता था? बहुत अच्छे से जानता था सर, इनफैक्ट पहली बार मैं मेघा को वरुण के थ्रू तो मिला था, वही तो मेघा को पार्टी में लेकर आया था। व्हाट सर? एक मिनट ही आएंगे प्लीज। सो देखिए, इस चाकू पर ऐसे फिंगरप्रिंट्स के निशान है, इसका मतलब बात साफ है, मर्डरर ने इस चाकू को काफी कस के पकड़ के रखा होगा, उसकी ग्रिप बहुत मजबूत होगी। अच्छा, फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच होते हैं? हाँ, वरुण से। वरुण से? सर, ये भी तो हो सकता है कि जब वरुण नदी में ये चाकू फेंकने के लिए गया था, तब उस वक्त उसकी उंगलियों के निशान चाकू पे आ गए होंगे। हो सकता है। तो ये रोहित के एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है इसमें? मिले हैं एक आध दो, एक ब्लेड पे और एक आध हैंडल पे, लेकिन वो काफी लाइट है। Obviously, ये रोहित तो ठीक से चाकू पकड़ भी नहीं सकता। Exactly. इसीलिए वरुण ने ये चाकू रोहित को पकड़ा दिया, क्योंकि वो चाहता था कि रोहित को ऐसा लगे कि इसी ने मारा, लेकिन रोहित तो चाकू चला ही नहीं सकता ढंग से, अभी देखा हमने। एक मिनट। अच्छा रोहित, एक काम करो, ये चाकू लो और एक बार फिर से इस दरी पर वार करो। अरे नहीं नहीं रेंदु, चाकू जिस तरह से पकड़ रहा है उसकी ग्रिप देख, हाथ कांपते हैं इसकी, ये क्लियर फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे ही नहीं। इसका तो एक ही मतलब है कि वरुण ने रोहित को फंसाया है। हो ही नहीं सकता सर, वरुण मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कितनी बार उसने मुझे मेरी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, वो ऐसा नहीं कर सकता सर। हाँ, वैसे हमारे पास वरुण के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। वैसे रोहित, हम चाहते कि तुम इस एडिक्शन से अच्छे हो जाओ, फिर से रिहैबिलिटेशन सेंटर जाओगे, हम तुम्हें भेजेंगे। क्यों फ्रेडी? पंकज ले जाओ इसे। ये लो, तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे घर पे मिली थी। ये मेरी वॉच नहीं है सर। क्या? ये तो वरुण की वॉच। वरुण की घड़ी? बस इसीलिए मैं कह रहा था कि वही फोन ही नहीं हो सकता है। सर, वरुण को उसकी घड़ी लौटाने जाए। हाँ चलो, जाकर बता भी देते उसे कि उसका बुरा वक्त शुरू हो रहा है। थैंक यू ऑफिसर, यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल। ठीक है, थैंक यू सो मच, ग्रेट जॉब मिस्टर चड्डा। एक मिनट चड्डा साहब, इतनी जल्दी क्या इसे यहाँ से ले जाने की? क्या वरुण, तुम्हें भी कीड़े मकोड़े काट रहे हैं क्या यहाँ? He's a free man, sir. ये रहे उसके बिल ऑर्डर्स। नहीं चड्डा साहब, वरुण कहीं नहीं जाएगा। खूनी को कभी बेल नहीं मिलती, वरुण खूनी है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपके पास क्या सबूत है? सिर्फ एक सबूत नहीं, तीन तीन सबूत है, तीन सबूत। नंबर एक, वो हथियार, वो चाकू जिससे इसने मेघा का खून किया। नंबर दो, उस चाकू के ऊपर मिले हमें वरुण के फिंगरप्रिंट। और नंबर तीन, ये घड़ी। क्या वरुण, तुम्हारी घड़ी है? नहीं चड्डा साहब, ये वरुण की घड़ी खास किस्म की घड़ी है, हाथ से उतारने के 15 मिनट बाद ये घड़ी बंद हो जाती है। जब हमें ये घड़ी मिली तब उसमें बजे थे 2:20। मेघा का खून हुआ 2 बजे के आसपास।
अब खून करते वक्त ये घड़ी वरुण के हाथ से वहां गिर गई। 15 मिनट के बाद में बंद पड़ गई। बजे थे 2:20। तुम्हें क्या लगा था चाकू पानी में फेंक दोगे तो फिंगरप्रिंट्स मिट जाएंगे? चाकू पे हमें, तुम्हारे और रोहित दोनों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। तो वैसे भी तुमने खुद हमें बताया था कि तुमने मेघा की बॉडी को कहां पे छुपा के रखा। ये सोचकर सीआईडी वाले खुश हो जाएंगे अगर मैं खुद बता दूं कि मेघा की बॉडी मैंने वहां पे छुपा कर रखी थी। कोई शक नहीं करेगा, है ना? लेकिन दो गलतियां कर दी, एक चाकू पे अपने फिंगरप्रिंट छोड़ दिए, दूसरी एक घड़ी रोहित के घर पे छोड़ दी। बताओ क्यों मारा तुमने मेघा को? मैं और मेघा बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे मेघा बहुत अच्छी लगती थी। मैं मेघा को पहले से ही चाहता था, लेकिन मेघा मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी। उस रात जब मुझे पता चला कि रोहित के घर पे पार्टी है, तो मैंने मेघा को इनवाइट किया। मेघा तैयार हो गई। मुझे लगा कि मेघा मुझ में इंटरेस्टेड है और आगे चल के मैं उसे और भी कन्विंस करूंगा। लेकिन उस रात पार्टी में सब कुछ उल्टा होने लगा था। मेघा रोहित की तरफ अट्रैक्टेड होने लगी थी। दोनों एक ही रात में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मेघा मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी सर, मेघा उस रोहित में इंटरेस्टेड थी। और तुमसे ये देखा नहीं गया? हाँ, मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैंने उस रोहित को कितनी बार समझाया कि मेघा से दूर रहे, लेकिन वो कहाँ समझने वाला सर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जो चाहिए वो उसे मिल जाती। दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे, मेघा भी खुश थी। अब तो रोहित उसे डेट पर ले जाने लगा था। मुझे अच्छी तरह से याद है रेस्टोरेंट में क्या हुआ था। कौन है? मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मन कर रहा था कि उसे मार डालो, और मेघा को तो तुमने मार ही डाला और फंसा दिया रोहित को। हाँ, दोनों के साथ तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। तुम अच्छी तरीके से जानते थे कि रोहित तो आसानी से फंस जाएगा। एक तो उसकी ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम, दूसरा उसका गुस्सा, और वैसे भी वो ड्रिंक करने के बाद काफी कुछ भूल जाता था। और तुमने उसकी उसी कंडीशन का फायदा उठाया। हाँ, उस रात मैं गया था उसके घर। Let's go. Yes. ये रोहित का फेवरेट ब्रांड है। Coming baby, just 2 minutes. तुम्हें खेलने का बहुत शौक था ना? So let's play. This is your first guess. Come on, Rohit. This is a glass. Come on, Rohit. It's an ice. A big final guess. And then game over. Koi nukili cheez hai. I love you, Megha. मैंने जानबूझकर आपकी मदद की। मुझे पता था मैं फंसूंगा, पता था मुझे सजा भी मिलेगी, पर मैंने अपने वकील से बात कर ली थी।
उसने कहा था कि वो मुझे बचा ले। और फिर तुम वहां से बेफिक्र होकर निकल गए। तुम्हें मालूम था कि जैसे ही रोहित जाग उठेगा और देखेगा मेघा की लाश को तो उसे लगेगा कि उसने ही मेघा को मारा है ना? और फिर पहला काम वो क्या करेगा, अपने खास दोस्त को, अपने बेस्ट फ्रेंड वरुण को फोन करेगा। बेस्ट फ्रेंड ऐसा धोखा नहीं देते। धोखा रोहित ने तुमको नहीं, तुमने रोहित को दिया। मेघा तुम्हें कभी नहीं चाहती थी और ये बात तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सके, इसीलिए मेघा को मार दिया और सारा इल्जाम अपने दोस्त रोहित पे डाल दिया। वरुण, सच कभी छुपाया नहीं जा सकता, सामने आता ही है।